नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको दो बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला खबर है पंचायत सहायक को मिलने वाले मानदेय के बारे में, नंबर दो। दूसरा खबर है किस तरीके से आपको परिवार रजिस्टर को मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको किसी भी ग्राम पंचायत के परिवार का डेटा अपने पास रखना है। दोस्तों तो इस हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। निवेदन करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए। इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है दोस्तों, निवेदन करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आवेदन पत्र का एक प्रारूप है जिस आवेदन पत्र को उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के द्वारा भरा जाना है। अलग बात है आप पंचायत सहायक हैं या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी हैं या ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत मित्र ही क्यों ना हो, आपको सरकार के द्वारा इस तरीके का सर्वे के साथ साथ परिवार रजिस्टर में किस जिन परिवारों का डेटा सरकार के पास नहीं है उस चीज़ को बनाने का यह प्रारूप दिया गया है। सरकार के पास नहीं है उस चीज़ को बनाने का यह प्रारूप दिया गया है। सबसे नंबर एक पे है घर का नाम, नंबर दो ग्राम पंचायत का नाम, नंबर तीन गाँव का नाम, नंबर चार घर के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, जाति, घर का प्रकार, उनका घर कच्चा है या पक्का, घर का मालिक कौन है, आप खुद का है या किराए पर है, बिजली की उपलब्धता है कि नहीं, शौचालय की उपलब्धता है कि नहीं, राशन कार्ड है तो वो गरीबी रेखा से नीचे का है या गरीबी रेखा से ऊपर का, नंबर तेरह परिवार में पीने का पानी का स्रोत क्या है, नल, कुआं, सरकारी या नल, परिवार के सदस्यों का विवरण 14 नंबर कॉलम में आप अंकित करेंगे जिसमें क्रम संख्या के साथ सदस्यों का नाम, मुखिया से संबंध, लिंग, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि, विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, इस पर आप अंकित करेंगे। अगला है परिवार से संबंधित कुछ आधार योजनाएं और वो लाभ परिवार के किस सदस्य के नाम आता है। नंबर एक प्रधानमंत्री आवास योजना अगर है तो किसके नाम पे है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नंबर दो पेंशन से संबंधित योजनाएं, अटल पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना। छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत आपको कुछ छात्रवृत्ति मिलती है कि नहीं। नंबर दो छात्रवृत्ति पूर्व दशम या दशमोत्तर में कितनी मिलती है। ग्राम पंचायत में पारिवारिक विवरण ऑनलाइन फीड कराने हेतु श्रमिकों से संबंधित योजनाएं, अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं में श्रमिकों से संबंधित योजनाओं में भागीदारी करते हैं इन सभी चीज़ को आप टिक कर सकते हैं, जिसमें भी हो उस पर आप उनको लेकर टिक कर सकते हैं। नंबर पाँच बीमा व लोन से संबंधित योजनाएं, क्या आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है, अगर आता है तो टिक करेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार इस फॉर्म को फीड करवा रही है अपने संविदा कर्मियों के द्वारा, ताकि आने वाले समय में जो भी योजनाएं आएँ वो योजनाएं बिना किसी रोक टोक के आप तक पहुंच सके। आगे हम लोग बात करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा 18,000 रुपये का मानदेय एक साथ आ गया है। दोस्तों मैं इससे पहले आपसे क्या कहता था, मानदेय आपका एक एक रुपये कहीं नहीं जाएगा, आपके द्वारा किए गए काम के बदले में सरकार एक रुपये नहीं मांगती है। दोस्तों कितनी अच्छी बात है, आने वाले समय में सरकार के द्वारा 6,000, 12,000, 18,000 रुपये जिसका जितना मानदेय बकाया था सभी मानदेय इस होली से पहले पहले दिए जाने की मैंने बात कही थी और वो सच नजर आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको भी 18,000 रुपये पंचायत सहायक के पद पर बने रहने के लिए मिला है, 14 मार्च को क्रेडिट हो गया जैसा आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आने वाले समय में किस तरीके से आपको अपना काम करना है, सरकार द्वारा दिए गए एक एक काम का, एक एक शासनादेश का अच्छे से निर्वहन करना है, ताकि आने वाले समय में आपको अस्थाई परमानेंट किया जा सके। अगर आपका काम अच्छा होगा, आपके संबंधित अधिकारी आपका अवलोकन पॉजिटिव दिशा में करेंगे तो आपको लंबे समय तक काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में दो बड़ी खबर थी, एक मानदेय को लेकर और एक दूसरी खबर थी किस तरीके से आपको परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ना है, किस तरीके से एक परिवार का सर्वे करना है। दोस्तों निवेदन करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।